आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने योजना बना ली है। सूत्रों की माने तो भारी संख्या में माननीय विधायकों की टिकट उनके विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर काट दी जाएगी, इसलिए सिटिंग विधायकों में खलबली मची हुई है। तमाम आरोपों के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र में शासन की योजनाओं को साकार करने में क्षेत्र में लगी रही ग्रामीण विधानसभा विधायक हेमलता दिवाकर ने अपने विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई अवैध वसूली का आरोप नहीं है, मैंने कोई विकास कार्य में दलाली नहीं की, अपनी ईमानदारी के बलबूते द्वारा टिकट की दावेदारी करेंगे, जो भाजपा का निर्णय होगा मान्य होगा। 2017 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार को, और आज आप लोगों से मुखातिब होने का यही उद्देश्य रहा कि मैं अपने जो मैंने कार्य कराए हैं, चाहे वो विधायक निधि से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, मेरी ग्रामीण विधानसभा में जो भी कार्य हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि सरकार ने क्या कार्य कराए। सरकार के कार्यों की पारदर्शिता और सरकार की कार्यशैली जनता के सामने है। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार आगरा आए थे, तो मेरा पहला उनको प्रस्ताव यही था कि यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे बहुत सारी ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में तो स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर अपंगता आ गई है, बाल झड़ने लगे हैं, यंग एज वाले भी अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं। उस स्थिति में मैंने सबसे पहले माननीय सीएम साहब को ये प्रस्ताव दिया था कि मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए सबसे पहले मुझे पेयजल की जो समस्या है उससे निजात मिले। और धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने मुझे 5 वाटर हेड जो पूरे बड़े वाले होते हैं वो दिए, और मुझे 10 वाटर एटीएम दिए। जहां पर ज़्यादा समस्या थी वहां पर मैंने इन वाटर एटीएम को लगवाया, और बड़े ओवरहेड लगभग 5 बन के तैयार हो चुके हैं, जो लगभग चलने की स्थिति में है। उसमें गांव-गांव पाइपलाइन भी बिछ चुकी है और वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी समस्या मेरे यहाँ थी कि अकोला क्षेत्र मेरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर घर में ऐसे जवान हैं जो सीमा की बॉर्डर पर जाकर, भारत की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते हैं। हर घर में ऐसा एक लाल है, और जब वो बच्चे तैयारी करते हैं तो मैं देखती थी कि सड़कों पर रेस करते थे। उसमें मैंने देखा कि अभी 2017 से ही मैं देख रही हूँ, 3 बार घटनाएं ऐसी हो चुकी जहां लगभग 4 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। ये समस्या पहले भी मैं देखती थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से निजात पाने के लिए, और बच्चों के जो बच्चे तैयारी करते हैं, नेवी में तैयारी करते हैं, आर्मी में तैयारी करते हैं, और जो बहनें, जो हमारी बच्चियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जो और रेसिंग करती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हमें एक मिनी स्टेडियम एक दिया जाए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लिया, और अकोला क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो चुकी है और बहुत जल्दी वो जनता को सौंपा जाएगा। आप लोग भी जानते हो कि पिछली सरकारों में जो काम हुए हो, मुझे मतलब नहीं कि क्या काम हुए, लेकिन जनता जानती है कि कितने काम हुए और कितने काम अब हो रहे हैं। सरकार ने जो बहनों के लिए सुमंगला योजना चलाई, उसमें जन्म से लेकर उसकी 12वीं तक की पढ़ाई के लिए जो सरकार ने 15,000 की जो सहायता राशि दी है, उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और आगे अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए अगर वो कोई डिप्लोमा चाहती है, कोई डिग्री चाहती है, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। कोरोना काल में जब हम लोगों ने 2019 नवंबर जब कोरोना काल का जब मैसेज हम सब इंडियंस को मिला था, उसके बाद 2020 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, तो ऐसा कालचक्र आया जिसमें हम लोग आपस में ही नहीं मिल सकते थे। अगर पति बीमार है तो पत्नी उससे नहीं मिल सकती है, पत्नी बीमार है तो पति नहीं मिल सकता, अगर घर में बच्चे बीमार हैं तो बच्चों को भी दूर रखना पड़ता था। ऐसा एक कालचक्र आया और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सारी लगभग मैंने अपनी तनख्वाह से ही और जो मेरी विधायक निधि थी उससे भी लगभग 20 लाख रुपए मैंने अपनी विधायक निधि के दिए और लगभग 5 लाख रुपए से अपनी तनख्वाह से जनता की सेवा के लिए हम लोग की धनौली की जो व्यवस्था है वो कब सुधरेगी। लेकिन एक बड़ी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने धनौली नाले का निर्माण कराया। CNDS जिसकी कार्यदायी संस्था है और अब जब अभी कोरोना काल में उसका बजट रुक गया था और अभी हम लोगों ने उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया अभी उसका पास कराया और जो नाला अधूरा बना हुआ वो पुनः उसका कार्य प्रगति पर रहेगा और जल्दी वो वहाँ से जो भी समस्या जनता की पानी की थी वो खत्म होगी। बहरा नहरगंज मेरे क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जहाँ से अगर पुल की व्यवस्था होती है, अगर सेतु की व्यवस्था होती है तो सीधे हम लोग महरानारगंज होते हुए टुंडला पर जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ेगी, उसके लिए मैंने देखा था कि बहुत ही अधूरा पड़ा हुआ काम जो 2009 में शायद प्रस्तावित था वो पुल और बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से माननीय केशव प्रसाद जी से मैंने उसके बारे में चर्चा की और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, जनता की मांग को समझा और लगभग 34 करोड़ रुपए का वो पुल जो बजट है वो लगभग पास हो चुका है, बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं कहूँगी कि विपक्षों के लिए मैं हमेशा ही गुमशुदा रहूँगी। जो लोग कार्य करते हैं उनकी चर्चाएं लगातार रहती हैं, जो मेरे पक्ष में है ही नहीं, जो सरकार के पक्ष में नहीं है, जो विकास के पक्ष में नहीं है, मैं उनके लिए हमेशा गुमशुदा रहूँगी। मैडम, जो कार्य हर साल होना चाहिए आज 4.5 साल बाद आप विकास कार्य गिना रही हैं, इसका क्या कारण है? मैं इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि 2017 में हम लोग को विधायक निधि मिली थी 1.5 करोड़। उसमें जो कार्य हुए वो लगातार हम लोग जनता को गिनाते रहे, जनता की जो हम चौपाल लगाते थे चौपाल में गिनाते थे कि हमने क्या क्या कार्य कराए। आज सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आप लोगों से मुखातिब होने का मकसद यही है कि मीडिया के जरिए जनता तक, जन जन तक पूरे आगरे में, आगरा ग्रामीण में ही नहीं पूरे आगरे में ये विषय जाए कि सरकार ने आगरा ग्रामीण में क्या कार्य कराए।